अभी वन अदर क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट आई वन आई टू आई थ्री। ठीक से चेक कर लेते हैं कि सब कुछ दिया है कि नहीं। 12, 6, 3, 2 और 5, ठीक है। और करंट आई वन इधर है, आई टू आई थ्री इधर है, ओके। और नीचे आई टू, तो हम ध्यान रखेंगे जहाँ पे आई टू होगा वहाँ बस आई वन प्लस आई थ्री लिखेंगे ताकि इक्वेशन दो ही बने। नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो लूप ये वाला पहले ले लेते हैं, ए बी सी एफ ए। इसमें लूप में आप देख सकते हैं केवल एक ही बैटरी है, 6 इज इक्वल्स टू आई वन इंटू थ्री। ये एरो हमारे मुताबिक ही चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 I2। और आई टू की जगह हमें याद रखना चाहिए कि हमें आई वन प्लस आई थ्री लिखना है ताकि इक्वेशन केवल दो बने आई वन आई थ्री में। सो रिप्लेस्ड इट, 3 I1 प्लस 2 I1 इज 5 I1 प्लस 2 I3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। हम सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी बना सकते हैं, 12 इक्वल्स टू 5 I3 प्लस 2 I2 की जगह I1 प्लस I3। और तो कुछ है नहीं सर्किट में, तो 12 is 5 into 7 I3 into I1 7 I3। सो वी हैव दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 5 I1 प्लस 2 I3 is 6 and 2 I1 प्लस 7 I3 इक्वल्स टू 12। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको आप 2 से कर दें गुणा, इसको 5 से कर दीजिए, तो 10 I1 प्लस 4 I3 इज 12 एंड 10 I1 प्लस 35 I3 इज 60। माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया। सो माइनस का 31 I3 गिव मी माइनस का 48। Now we have -31 I3 is equals to -48, so I3 कितना हो जाएगा, 48/31। तो ये तो आ गया। अब हमें I1 निकालना है ना दूसरी इक्वेशन। लेट्स टेक द सेकेंड इक्वेशन, 6 is equals to 5 I1 plus 2 I3। 6 minus 2 into I3 की जगह लिख दूँ 48/31 divided by 5 is equals to I1। 31 6 are 186 minus 96 divided by 155। 31 5 is 155। So we have 6 minus 6 0 18 minus 9 is 9 155 I1। 5 18s are 531s are is I1। So this is the I1 we have, and then we can also find out the I2, which is I1 plus I3। So I1 कितना है, 18/31, और I3 कितना है, 48/31। सो यू गेट 6 8 16 है ना, 5 4 5 66 डिवाइड बाय 31 एम्पियर। सो दीज आर ऑल द 3 करंट्स वी नीड।